नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और मेरा चैनल अंजलि क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, लौकी नज़ाकत। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक लौकी ली है, उसे मैंने धो के अच्छे से छील लिया है। अब हमें इसे बीज का जो पार्ट होता है उसे ये छीलने के चाकू की सहायता से हम निकाल लेंगे। धीरे से आहिस्ते से निकालिए, जल्दी नहीं करें। देखिए इस तरह से। मैंने थोड़ा बीच में से कट कर लिया था, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी निकालने में। देखिए ऐसे सिलेंड्रिकल चाहिए हमें। देखिए सारे कट कर लिए हैं मैंने। अब चलिए हम इसे उबालेंगे। एक बर्तन में मैंने पानी रखा है, देखिए उबाली आ गई है। अभी हम सारे लौकी जो हमने कट किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ढक के। देखिए हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। हम इसे ठंडा कर लेंगे। चलिए स्टफिंग बनाते हैं। एक बाउल में मैंने 1/2 कप ग्रेटेड पोटैटो कद्दूकस किया हुआ पोटैटो लिया है, 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर ग्रेटेड पनीर, 1/2 कप मावा खोया ले रही हूँ, 2 हरी मिर्ची कटी हुई, 1 टेबलस्पून काजू का पेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। काजू मैंने 10-15 मिनट भिगा दिए थे, उसके बाद मैंने उसका पेस्ट बनाया था। देखिए अच्छी तरह मिल चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। अभी जो हमने बॉईल किए थे ठंडे हो गए हैं, अभी हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे इस तरह से, ताकि हम इसमें स्टफिंग भर सकें। देखिए मैंने सारे कट कर लिए हैं इस तरह से। चलिए अभी हम स्टफिंग भरेंगे। हमें भरावन बिल्कुल टाइट भरना है, किधर से भी निकले ना। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से दबा के इसे भर रही हूँ। देखिए इस तरह से दबाना है इसे, ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए और गिरे ना। देखिए सारे रेडी है हमारे। चलिए अब हम इसे शैलो फ्राई करते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, ऑयल का कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है मैंने इधर। अभी ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें जो हमारी लौकी का स्टफिंग हमने रेडी करा था लौकी भर के, वो हम रखेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए कि लौकी अच्छी तरह बॉईल हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि वो टूटे और बहुत कम भी नहीं। देखिए अब हम इसे टर्न कर देंगे सारे। देखिए इस तरह से। अब हम इसे ढक के और जो दूसरा साइड है वो हम पकाएंगे। धीमी आंच पे ही पका रही हूँ मैं इसे। चलिए चेक कर लेते हैं हो गए क्या ये। देखिए हो गए हैं ये हमारा भरावन लौकी रेडी है। अभी हमने सारे निकाले, अभी इसे हम साइड में रख देंगे। चलिए अभी ग्रेवी बनाते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने इधर। हींग डाली है थोड़ी सी। इधर मैंने 1 तेज पत्ता, 3/4 काली मिर्ची, 3/4 लौंग, बड़ी इलायची ली है मैंने, 1/2 टीस्पून जीरा, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छे से मिला लेंगे।
एक कप बारीक कटा हुआ प्याज, इसे अच्छे से पका लेंगे हम। देखिए प्याज पक गए हैं, देखिए प्याज पक गए हैं। अब मैं यहाँ पे 1.5 कप टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ, इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून काजू का पेस्ट डाल रही हूँ, इसे भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे 1/2 कप दही ऐड कर रही हूँ, गाढ़ा दही है ये, और 1/4 कप मावा खोया। खोया की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छी तरह मिला लेंगे हम इसे। देखिए उबाली आ गई है, अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी शक्कर ऐड कर रही हूँ मैं, नमक स्वाद अनुसार। अभी सब हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसे ढक के हम धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से घुल मिल जाए और हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें फ्रेश मलाई या कुकिंग क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो हम 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ पनीर यूज़ कर रही हूँ मैं इधर, हम मिला लेंगे सब अच्छे से। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अभी हमारी ग्रेवी रेडी है। अभी जब हम इसे सर्व करेंगे तो प्लेट में पहले हमारे शैलो फ्राई किए हुए लौकी और फिर ऊपर से हम ग्रेवी डालेंगे इस तरह से। देखिए